एनिमल का क्रेज अभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक सभी के अंदर एनिमल नहीं जाग जाता तब तक शायद लोग देखते ही रहेंगे इस फिल्म को। वेलकम टू बिंदास जिंदगी। और खबर बहुत ही जबरदस्त है, खबर बहुत ही जबरदस्त है कि जो फिल्म है एनिमल, इसने पहले ही दिन 60 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करके जवान, पठान, लियो, जेलर, गदर 2, इन सब के सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ चुकी है। सभी फिल्में इसके आगे धराशायी हो चुके हैं, क्योंकि सिर्फ हिंदी बेल्ट में इसने 50 करोड़ से अधिक की कमाई की और तेलुगु इंडस्ट्री से इसने 10 करोड़ की कमाई की है। और अभी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो वो और ज्यादा होगा, यानी कि आज दूसरा दिन है और एनिमल की कमाई आज ही के दिन 120-130 करोड़ पहुंच सकती है। बहुत ही जबरदस्त बात है। इस फिल्म को लेकर के इतना ज्यादा क्रेज आखिर मचा क्यों है, क्यों इतना मतलब कि हाइप है इस फिल्म को लेकर। मेरी बहन बेंगलोर में रहती है, वो सुबह 6:30 बजे का शो देखने गई और वो भी शो पूरा हाउसफुल, यानी कि जो शोज है वो बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि शो की जो फिल्म की जो लंबाई है वो 3 घंटे 23 मिनट है, यानी कि कुल 3.5 से 4.5 घंटे लगने वाले इंटरवल को अगर हम जोड़ दे तो। यहाँ इसलिए जो है शो अब सुबह से चलाए जाएंगे। और जिस तरह से क्रेज देखा जा रहा है वो तो शुरुआत में ही देखा जा रहा था, जब इसका प्री बॉक्स ऑफिस, जब इसका टिकट बिक्री हुआ था, एडवांस बुकिंग शुरू हुआ था, तब से इसका क्रेज है। और यकीन मानिए कि यह फिल्म इतना जबरदस्त बिजनेस कर रही है, इतना जबरदस्त, और उससे सबसे बड़ी बात कि इसको ए सर्टिफिकेट मिला है उस अंदाज में। तो ए सर्टिफिकेट मिलने के बाद में सोच सकते हैं कि ऑडियंस जो है, फैमिली ऑडियंस तो दूर हो गई है, लेकिन फैमिली ऑडियंस भी ऐसा चल रहा है कि जो माँ बाप है, जो मतलब कि पेरेंट है, वो अलग तरह से बच्चों को छोड़ करके निकल जा रहा है अगर उनके बच्चे छोटे हैं, तो इस तरह से चीज चल रहा है। और शोज देखिए हाउसफुल, सारे के सारे बोर्ड हाउसफुल, सभी थिएटर्स की चांदी हो गई, चाहे वो सिंगल थिएटर हो चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो। और मेकर्स इस बात को बखूबी जानते थे, इसलिए उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था संदीप रेड्डी वांगा ने कि इसका पार्ट टू भी अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया एनिमल पार्क। और एनिमल पार्क की अगर हम बात करें तो उसका हिंट देना पड़ेगा कि ये जो फ्रेंचाइजी होने वाली है एनिमल की फ्रेंचाइजी, वो सभी फिल्मों का बाप होगी। जी हाँ, अब तक हमने गोलमाल की फ्रेंचाइजी देखी, हाउसफुल की फ्रेंचाइजी देखी है, सिंघम की देखी है, गदर की भी फ्रेंचाइजी शुरू हो गई है, और जितने भी है, भूल भुलैया है, चाहे हेरा फेरी है, वेलकम है, बहुत सारी चीजों की फिल्मों की फ्रेंचाइजी है, लेकिन एनिमल की फ्रेंचाइजी सभी फ्रेंचाइजी का बाप बनेगी, ये तो आप गारंटी के साथ लिख लीजिए। जो एनिमल फिल्म है उसमें जो है रणबीर कपूर, उसे बहुत बुरा दिखाया गया है, करीब 100 साल से थोड़ा नीचे। तो ये चीज है कि एनिमल फिल्म में वहां तक पहुंचाई जाएगी जब वो बूढ़े हो जाएंगे रणबीर कपूर। और सबसे बड़ी बात कि एनिमल पार्क जब आएगी तो उसमें 2 रणबीर कपूर होंगे, क्योंकि उसका एक बॉडी डबल तैयार किया गया है जो कि फिल्म के अंत में दिखाया गया, जो कि एकदम अलग ही कट वाला, एकदम छिछोरा टाइप का लड़का है। और यहाँ पर जो दुश्मनी का क्रेज जो होगा वो बहुत ज्यादा होने वाला है। यहाँ पर एक एनिमल की बात है तो वहाँ पूरा एनिमल का पार्क होने वाला है। और प्लस बॉबी देओल के जो तीसरी शादी से 2 बच्चे हुए जुड़वा, वो सब भी बड़े होंगे और उसका भी एक क्रेज चलेगा। देन कहानी में बहुत ज्यादा अभी मतलब कि मजा आने वाला है सेकंड पार्ट में, लेकिन फर्स्ट पार्ट अभी एंजॉय करने का समय है। सेकंड पार्ट एनिमल पार्क जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसके लिए भी क्रेज अभी से तैयार कर दिया गया है। और संदीप रेड्डी वांगा को मतलब कि हैट्स ऑफ है, सलाम है, कि उन्होंने ऐसा सिनेमेटिक एक्सपीरियंस लाकर रख दिया है सिनेमा घर में कि लोग फुली नहीं संभाले। भले ही वायलेंस नेक्स्ट लेवल पर है, मारकाट है, बोल्ड है, पेनिस की बातें, पेल्विस की बातें हैं, एवरीथिंग मतलब कि खुलकर के बात की गई है, चुम्मा चाटी, सेक्स वेक्स सब दिखा दिया गया है। इसीलिए मतलब कि जो है फिल्म की जब बात क्या करें, और गाने वाने तो हैं ही मजेदार, तो इनके आगे तो कबीर सिंह कुछ भी नहीं था, कबीर सिंह तो कुछ नहीं, इसके सामने बच्चा ही लगता है मुझे। एनिमल का क्रेज अभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक सभी के अंदर एनिमल नहीं जाग जाता तब तक शायद लोग देखते रहेंगे इस फिल्म को। आई होप यू लाइक द वीडियो, देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी। नमस्कार, ओम शांति।